अमृतसर दे अधीन आंदे कस्बा जंडियाला गुरु दे पिंड गहरी मंडी दे रहन वाले शुभम टंडन दा गत 23 मार्च 2021 दा है। कुछ लोकां दे द्वारा गोलियां मार के कत्ल कीता गया सी, जिस दे तहत जंडियाला गुरु दी पुलिस ने 6 लोकां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीता सी, पर हुण तक मुख दोषी नूं गिरफ्तार नहीं कीता गया, जिस दे तहत मृतक शुभम टंडन दे परिजनां द्वारा इंसाफ ना मिलन दे चलदे अज पीड़ित परिवार ऑल इंडिया क्रिश्चियन समाज मोर्चा दे राष्ट्रीय चेयरमैन संस्थापक जसपाल मसीह नाल मिले अते इंसाफ दी गुहार लगाई है। अपना नाम दस। मेरा नाम सिमी है। सिमी की गल होई ते जेड़ी कत्ल होया ताडा की लाल सी? मेरा बेटा सी शुभू। किन्नी उम्र सी? एरी 24 साल उम्र सी। की गल की होई थी? गल ए भी एक दे नाल पहला ही लड़ाई चलदी सी ते प्राणी ते ए नशे वेचते सी, माड़े चंगे काम करते, मेरा बच्चा रोकता सी, तो असी ना कोई नशा करते हैं तो ना असी किसी वेचन दिने तो यही रंजिश सी। तो थोड़े दिन पहला इन्होंने एक महीना पहला भी मेरे बच्चे जैर नूर डेयरी उत्ते भी इन्होंने घेरिया उदों भी उन्होंने मारन दिया धमकियां दित्तियां सी मेरे बच्चे इन्होंने। तो फिर इन्होंने 23 मार्च में इन्होंने मेरे बच्चे शाम के टाइम 7 बजे इन्होंने दुकान दे उत्ते सद के गोलियां मार दित्तियां, जिन्हां विच मेरे बच्चे ने अपने आप बयान दिते हुए ने। जदों उन्हें गोलियां वजियां उन्हें बयान दित्ती, अपनी वीडियो पाई हुई है, उन्हें कहा है कि इन्होंने कुद्दा राणा ढड्डी अनपछाता ते 3-4 होर सी उन्हें बना के वीडियो दित्ती। तो असी इन्हां दे कोलों इहो मंग करदे हां कि मैनूं इंसाफ दित्ता जावे। तो लेकिन मैं ये DSP जंडियाला इन्होंने मैनू क्या धरना लाया सी, इन्होंने सानू कहा कि तुहानू 2 दिन का टाइम दो असी दोषी फड़ लाँगे, जबकि इन्होंने 1 महीने पिछों मुड़ के दोषी फड़े आ। मैनू 30 अप्रैल नू फोन आया रात 10:40 ते DSP साहब का, कहिंदे असी ना 3 दोषी फड़ लए ने। फिर मैं इन्हों DSP साहब नू अगले दिन फोन किया कि DSP साहब जी मैं ना उन्होंने मिलना चाहनी हाँ, मैं वेखना चाहनी हाँ कि यही है दोषी। उन्होंने मैनू अगों जवाब दिता कि तुहानू साढ़े तबार नहीं है, तो मैं क्या चलो सर जी मैनू तुहाड़े ते तबार है वा, तो कोई गल नहीं। और मुड़के फिर मैं इन्हों पुछया SHO नू मैं फोन करके पुछया मैं भी सर जी तिने दोषी फड़े गए, उन्होंने कहा भी फड़े गए ने। फिर मैं उन्होंने मिलन गई तो फिर उन्होंने कह दे कहें कि 2 जने दे रैसट पा दी है तो 3 उन्होंने पाई हैगी। मैं क्या भी क्यों मेन दोषी तो कुद्दा है वा, तो तुम उन्होंने दो क्यों नहीं पाई हैगी रैसट? कहें कि अभी 2 जने दे रैसट पा दी तीजे, तो मैं क्या भी 3 भी पाओ। अगों मेरे को प्रूफ मंगते सी, मैनू कहें भी मैनू प्रूफ दियो, तुहाडे को प्रूफ हैगा वा कुद्दे दे खिलाफ, तो फिर असी तुहानू दसांगे। मैं क्या भी मेरा तो बच्चा मरिया, मैं तुहानू प्रूफ कहदे देवां? प्रूफ मेरा तो कलोता बच्चा, मेरा बच्चा ही कोई नहीं हो रहा, तो तुम मेरे को सबूत मांगते जी, जबकि तुहानू सबूत देने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, वीडियो दिती हुई सब कुछ दिता हुआ, मैं DSP साहब नू SHO नू सारे मैं वीडियो दिती हुई है। पुलिस ने बस यही पता नहीं इन्हों की दबाव है वा, साढ़े ना कोई गल मैंने धोखे में रखा इन्होंने, ना सानू मिलन दिता ना सानू वेखन दिते, कुछ नहीं कर दिता। अज तो असी इन्हों अपने जसपाल भाजी जेडे साढ़े क्रिश्चन समाज मोर्चे के प्रधान है, अज असी इन्हों मिले तो इन्होंने साड़ी कॉन्फ्रेंस करवा के इन्होंने मेरा साथ दिता है। तो SSP के दफ्तर भी मैं कल गई सी, मैं इंसाफ चाहनी हाँ कि जेड़ा मेन कुद्दा बना वो गिरफ्तारी चाहनी, और रैसट पा के उन्होंने जेल भेजा जाए। मैं पूर्ण सफरी नैशनल जनरल सैकटरी ऑल इंडिया क्रिश्चन समाज मोर्चा, मैं दसना चाहता हाँ कि गुजरे दिनों से 23-3 में शुभम टंडन बेड़े की जड़ा दोषियों ने गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी। उन्होंने माता पीड़ित परिवार माता सिमी जी और उन्होंने पिता दीपक कुमार जी, असी कल SSP साहब को मिलने वास्ते गए, जो कि पहलों भी 3-4 बारी मिल चुके हाँ, पर SSP ने सानू पहलों तो कहा कि हैडक्वार्टर जी मैडम है उन्होंने मिलो, तो असी क्या कि अं SSP साहब नूं ही मिलना, तो उन्होंने पीड़ित परिवार को मिलना योग नहीं समझिया, जो कि बहुत दुख लगा है पीड़ित परिवार को, जिथे ये स्वर्गवासी बेटे का अपमान होया, पीड़ित परिवार का अपमान होया, समाज का अपमान होया। मैं इस गल की पुरजोर शब्दों से निंदा करदा। मैं ये भी कहना चाहना कि पुलिस ने जोड़े दोषियों को फड़िया वा गिरफ्तार करके रिमांड लिया, उन्होंने को जो 2-3 पिस्तौल से वो उन्होंने कोई अजे तक रिकवरी नहीं की, मुख्य दोषी जड़ा फुलविंदर कुद्दा है
उन्हों कि ना कि पुलिस जो किसी लालच के वश या सियासी सत्ताधारी दबाव के कारण उन्होंने क्ढना चाहती है। अगर जे ये पुलिस ने दोषियों गिरफ़्तार ना किया तो रिकवर हथियार नहीं किए तो सानू मजबूरन पंजाब सरकार के खिलाफ पुलिस विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरन की मजबूर होना पड़ेगा। मैं पूर्ण सफरी नैशनल जनरल सैकटरी आल इंडिया क्रिश्चन समाज मोर्चा, मैं दसना चाहता कि गुजरे दिनों से 23-3 में शुभम टंडन बेड़े की जो दोषियों ने गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी, उन्हों की माता पीड़ित परिवार माता सिमी जी और उन्होंने पिता दीपक कुमार जी, असी कल SSP साहब न मिलने वास्ते गए जो कि पहलों भी तीन चार बारी मिल चुके हाँ, पर SSP ने सानू पहलों तो कहा कि हैडक्वाटर जी मैडम है उन्होंने मिलो, तो असी कहा कि अं SSP साहब न ही मिलना, तो उन्होंने पीड़ित परिवार को मिलना योग नहीं समझिया, जो कि बहुत दुख लगा है पीड़ित परिवार को, जिथे ये स्वर्गवासी बेटे का अपमान होया, पीड़ित परिवार का अपमान होया, समाज का अपमान होया, मैं इस गल की पुरजोर शब्दों निंदा करदा। मैं ये भी कहना चाहना कि पुलिस ने जोड़े दोषियों को फड़िया वा गिरफ्तार करके रिमांड लिया, उन्होंने को जो 2-3 पिस्तौल सी उन्होंने कोई अजे तक रिकवरी नहीं की, मुख दोषी जोड़ा फुलविंदर घुद्दा है उन्होंने कितने ना कि पुलिस जो किसी लालच के वश या सियासी सत्ताधारी दबाव के कारण उन्होंने क्ढना चाहती है। अगर जे ये पुलिस ने दोषियों गिरफ़्तार ना किया तो रिकवर हथियार नहीं किए तो सानू मजबूरन पंजाब सरकार के खिलाफ पुलिस विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरन की मजबूर होना पड़ेगा। मेरा नाम जसपाल मसी, संयुक्त सकत्र श्रोमणी अकाली दल, चेयरमैन आल इंडिया क्रिश्चन समाज मोर्चा। अज असी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करन दा जो सानू अज जिहड़ा क्यों लोड़ पई उह तुहानू जरूरी दसना चाहुंदा वां, क्योंकि बीते दिनें दे विच 23 मार्च नूं जंडियाला थाने दे अंडर च पैंदा पिंड गहरी मंडी पिंड आंदा वा, उहदे विच इक नौजवान जिहड़ा वा मुंडा वा दिओ शुभम उर्फ टंडन हनी, अज दी इह तस्वीर मैं तुहानू दिखा रहा वां, इहनूं दुकान ते आ के सरेआम जिहड़ा वा शाम दा समय ही दिन दिहाड़ा सूरज चढ़िया ही और इहनूं जिहड़ियां गोलियां मार के जिहड़ा वा जिहड़ा छलनी करता और इहनूं गुरु नानक होस्पिटल दाखिल कराया गया। उस दौरान इस हनीवीर ने अपनी जिहड़ी एक वीडियो बनाई सी जिहदे विच इहने दोषियों का जिन्हां ने गोलियां मारियां उन्हां दे नाम लिते आ। दुकान काहदी सी ते बंदे क्यों गोलियां मारियां? ये पुरानी को रंजन सी, ये मुंडा समाज सेवा दे काम करता सी, इन्हां दे कहन दे मुताबिक फैमिली दे कोई वो नशे नुशे वेचदा सी ते रोकदा सी उहनूं ते उह रंजश रखदे जिहड़ी उहनूं गोलियां मारियां गईआं और इन्हां ने जिहड़ा जो गोलियां मारियां वह मेरा ख्याल 23 तरीक नूं गोलियां वज्जियां सी और काफ़ी दिन वो जिहड़ा जेरे इलाज जींदा रहा, अपनी होशो हवास दे विच उहने अपने जींदिआं जी उत्थे इलाज दौरान उहने एक वीडियो बनाई जिहदे विच सरेआम उहने दोषियों के नाम लिते आ और जिन्हां दोषियों के उन्हें नाम लिते आ उन्हां विच्चों एक मेन नाम आ फुलविंदर सिंह घुद्दा, जिन्हों DSP जंडियाला और SHO जंडियाला जिहड़ा बचाने की कोशिश कर रहा वा, उन्होंने पता नहीं सियासी दबाव वा जां पता नहीं की दबाव आ कादा लालच वो कढ़ रहे आ, क्योंकि जिहड़ा उहदे पिता जी आ दीपक कुमार जी आ मेरे नाल खड़े आ, यह भी मौके पर सी, यह चश्मदीद गवाह वा और इन्हों के जिहड़े बयान दे विच ही FIR दे विच भी वह मुख दोषी का जिहड़ा घुद्दे का नाम आ और उन्हों बचाने की कोशिश कर रहे और बीते समय उन्हों जो उन्होंने रैसट पाई आ तिन्ह जिन्हों की दोनों की रैसट पाई आ, तीन जिन्हें गिरफ़्तार किए वो रैसट नहीं पाई घुद्दे की हजे तक। असी ये परिवार को नाल लैके SSP साहब न 4-5 बार मिले आ और कल भी साढ़े जनरल सैकटरी आ पूरन सफरी जी मजीठे तो आ और इन्हों की अगवाई कल मिले परिवार को लैके और उन्होंने परिवार को जोड़ा बच्चा शहीद होया वा बहुत ही दुख पहुँचाया और एड्डी जी निंदन जो घटना वा SSP साहब ने इन्हों जो टाइम दे के मिले नहीं और इन्हों को पिछा छड़ा के भजे उतों, ये उन्होंने मगर मगर भजते रहे गड्डी दे SSP ने। हाँ जी, मंग करते मुख्यमंत्री पंजाब तो DGP साहब पंजाब तो कि जड़ा वा ये दोषी जड़ा मुख दोषी आ जड़ा उस बेटे की वीडियो तुहानू वीडियो भी देवांगे असीं, उस वीडियो दे विच जो बेटा अपने जींदे जी बयान दे गया वा उहदी अरैसट पा के जिहड़े रहिंदे दोषी उन्हां नूं गिरफ़्तार करके जेले भेजा जाए और जिहड़ा इन्हां दा कल्ला कल्ला चिराग सी जिहड़ा बुझाया गया ये कोई बच्चा नहीं इन्हां दे होर और जिहड़ी आ साडी भैण दी जिहड़ी आ झोली नूं जिहड़ा इन्हां ने सुनिया करता वा इन्हां नूं इंसाफ दवाया जाए। जे तुहाडी सुनवाई नहीं हुंदी तां की आ तां फिर सड़कां ते उतरांगे, होर की कर सकदा, धरने प्रदर्शन करांगे, पंजाब सरकार दे वी पुतले फूकांगे, पंजाब पुलिस दे वी फूकांगे,
जी पुलिस इन्हों ने धक्का कर रही वो डी एस पी का भी फूकेंगे। सर जो गैरी अपना कदरकार होया बारे जानकारी चाहिए कि पीड़ित परिवार जो इल्जाम ला रहा है कि एक ज्यादा तो दम ना मेरे मजिस्ट्रेट है गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो जी ये 75 नंबर एफ आई आर दर्ज हुई थी 23 मार्च की गल है जदों गैरी मंडी विखे इन बेटे पीड़ित परिवार के बेटे गोलियां मारिया सी दो गोलियां वजिया से एक पैकट के एक इतने छाती के को बाह छाती के वजी सी उसकी बाद 31 तरीक मार्च के महीने डैथ हो गई सी और पहला 307 का मुकदमा दर्ज होया उसकी डैथ होने तो बाद 302 का वाधा किया गया। पीड़ित परिवार के जिहड़ा लड़के का फादर है उन्होंने बयान के उत्ते परचा दर्ज किया गया सी उन्होंने 3 बाई नेम और एक बंदा अणपछाता अपने बयान लिखाया सीगा ते उस तो बाद जिहड़े 3 बंदे इन्होंने बाई नेम लिखाए सी उन्होंने 3 दे विचों असीं 3 नूं अपने शामिल तफ्तीश करके तो उन्होंने तफ्तीश प्रॉपर की है वो पाया गया कि 2 जणिआं का सीधा रोल बनता सीगा ते तीसरे का अजे सीधा रोल सामने नहीं सी आ रहा क्योंकि वारदात के समय से वो उत्थे हाजिर नहीं पाया गया। देखो साडी तफ्तीश है कल्ली इंसानों के बयान के उत्ते नहीं चलती साडी तफ्तीश टैक्निकली साइंटिफिकली ये सारा कुछ देखना पैंदा। साडा मुख मुद्दा यह हुंदा भी कोई भी कसूरवार बंदा कानून के शिकंजे चों बच के ना जाए तो कोई भी बेकसूर बंदा कानून के अजाई ना फस जाए। 302 का मुकदमा बहुत सब तो वड्डा मुकदमा हुंदा फांसी तक की सजाए दे विच असी भी महकमे नूं असी भी हाई कोर्ट नूं असी भी परमात्मा नूं जवाब दे आ असी किसी भी बेकसूर बंदे नूं जां इस तरह परचे दे विच नहीं शामिल कर सकते जिहदे खिलाफ पुख्ता सबूत साडे कोल सफा मिसल ते ना आए हों। इहदे विच उहदियां लोकेशनां उहदियां वीडियोग्राफ्स जिथे उह गया सीगा उहदी जिहड़ी आ सारा सिस्टम असी चैक कीता गया अजे भी वो साढ़े अजे साढ़े को इन्नी शहादत नहीं आई कि जिसे गिरफ्तारी पाई जा सके। जितों तक वीडियो की गल है ये वीडियो कहते हैं भी वीडियो बनाई वीडियो वारदात की वीडियो नहीं हैगी आम सुनने के आता भी शायद वारदात के मौके की वीडियो जी है पुलिस को दी गई है। वारदात के समय की वीडियो सानू पता लग्या सीगा कुछ सोर्सिस राही कि वारदात की दे मौके की वीडियो इन्हां दे कोल हैगी है असीं इन्हां नूं बेनती की सी कि वारदात के समय की जिहड़ी वीडियो है क्योंकि उस मौके दे उत्ते भी कैमरे लगे हुए सी जिहड़े इन्हां दे अपने पोजिशन के अंदर से इन्हां दे अपने कंट्रोल के अंदर सीगे इन्हां नूं कहा भी वो वाली वीडियो सानूं दसो तां कि असीं सच झूठ का नकारा कर सकीए। वो वीडियो पीड़ित परिवार ने साडे तक नहीं पहुँचाई बल्कि एक वीडियो जिहड़ी आप बनाई सी हस्पताल दे विच 24 तरीक नूं वो वीडियो सानूं दस रहे ने भी देखो ये जिहड़ा लड़का है ये अपने मूँह नाल कह रहा भी मैनूं फलाणा फलाणे ने आके मारिया सी तो वो जी वीडियो 24 तरीक की है और लड़के की डैथ जी 31 तरीक में होंगी है उस वीडियो के जो बयान लड़के ने दिते ने वो बयान तो उसके जो पिता के बयान ने जोड़े एफ आई आर के दर्ज ने वो भी आपस में मैच नहीं करते इस करके मामला शकी हो जाता और असी मतलब कि साड़ी किसी के नाल ना दुश्मनी है ना दोस्ती है असी सिर्फ कानून के मुताबिक ही काम करना कसूरवार असी छड़ना नहीं तो बेकसूर असी नहीं सज़ा दवा सकते ये साड़ी मजबूरी है असी कानून के बद्धे हुए हैं साडा अपना राज नहीं चलता। दो जो मुलजम फड़े गए उन्होंने को हथियार की रिकवरी नहीं हुई क्योंकि एक होर लड़का प्रिंस नाम का जो अमृतसर विखे वो पहला भी 302 के मुकदमे अमृतसर पुलिस को वांटेड है सानू भी वांटेड है उन्होंने असी पकड़ने वास्ते पूरे जोर लाया होया और वो ही हथियार है और उसनू जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और वो ही सारे हथियारों की जी बरामदगी की जाए। भारत में पहली बार शुद्ध जल लंगर सेवा शुरू प्योर वाटर हेल्थी लाइफ एनजीओ ऑस्ट्रेलिया वालों भारत के पिंडां विच हर वर्ग नूं पीण वाला शुद्ध पानी मुहैया करवाउण दी मुहिम पंजाब दे जिला शहीद भगत सिंह नगर दे पिंड परोमजारा राणुआ तों शुरू एनआरआई ते दानी सज्जना नूं अपील के आओ देशवासियां नूं पीण वाले पानी तों लगण वालियां 80% बीमारियां जिवें टाइफाइड पेट गैस पीलिया जोड़ां दा दर्द कब्ज बुखार ते कैंसर तो बचाइए सलाह ते सहयोग करन लई संपर्क नंबर परमजीत सिंह राणा पंजाब 7009807083 अते रघुवीर सिंह आस्ट्रेलिया 04267964063।